विवेक जी, मैक्स सेलिब्रेट इंडिया क्या कहेंगे इस बारे में, लॉन्च हो रहा है? अब मैक्स सेलिब्रेट्स इंडिया, इंडिया को सेलिब्रेट कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी अपनी इस बात में खुशी है। और हमारे साथ शुभारंभ 2015 नवरात्रि के साथ में जुड़ के ये एथनिक वेयर लॉन्च कर रहे हैं। सो हम लोग बहुत ग्रेटफुल हैं कि हमारे साथ में जुड़कर लोग ये कलेक्शन लॉन्च कर रहे हैं, एंड आई होप ये कलेक्शन देश भर में फैले और वर्ल्ड वाइड फैले, एंड यही हमारी दुआ है। किस तरह कलेक्शन है ये, ट्रेडिशनल है ये, किस तरह का है? एथनिक वेयर है मैक्स का, और नवरात्रि कलेक्शन लॉन्च कर रहे हैं। सो अभी अक्टूबर नवरात्रि का सीज़न आ गया है, सो एथनिक और ट्रेडिशनल कपड़े ये लोग लॉन्च कर रहे हैं। सो मतलब इतना ट्रेडिशनल नवरात्रि के कपड़ों पर मुझे आइडिया नहीं है, बट जो भी कलेक्शन इन्होंने लॉन्च किया अभी अनवील होगा, वो आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को लुभाएगा, एंड ये कलेक्शन बहुत दूर तक जाएगा। क्या कर रहे हो नवरात्रि में, क्या आपके प्लान क्या है? नवरात्रि में प्लान तो कुछ नहीं है, जो ट्रेडिशनल गरबे होते हैं, माता जी के गरबे होते हैं, डांडिया रास होता है, वो सारे गाने हम लोग ऑडियंस के सामने पेश करेंगे। एंड बींग अ प्लेबैक सिंगर, बॉलीवुड में गाने गा चुका हूँ, सो एक मिक्स ब्लेंड होगा गुजराती गानों का और हिंदी गानों का। सो बट हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा गुजराती गाने हों, जो नवरात्रि में सुनने को ऑडियंस को और ज़्यादा मज़ा आता है। गुज्जू एरिया गुज्जू ही गाना मोस्टली प्रेफर करेंगे एकदम एकदम, और मराठी गाने भी होंगे, मराठी गाना भी होंगे, और बहुत सारे गानों का मिक्स मैच होगा, एंड और आई होप कि ऑडियंस को ये पसंद आए। एंड गुजराती एरिया में है तो गुजराती गाने तो होने ही चाहिए, एंड आई जस्ट होप कि हमारे जो भी गाने पब्लिक सुने वो उनको पसंद आए। वही सवाल की टाइमिंग का, टाइमिंग को क्या कहेंगे, 10 बजे बंद हो जाता है हमारे यहाँ पे, हम क्या कर सकते हैं ये टाइमिंग का? तो ये नवरात्रि में अगर नरेंद्र मोदी जी अगर कहीं सुन ले तो हम लोग उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि डांडिया के टाइम पे यू नो 12 बजे तक की परमिशन हो हमारे यहाँ पे, क्योंकि नवरात्रि एक बहुत ही इन्जॉय करने वाला फेस्टिवल है, और इसमें लोगों को टाइम कंस्ट्रेन होता है, बहुत सारे लोग ऑफिस से लेट पहुँचते हैं घर पे, डांडिया में नहीं जा पाते, तो उनके लिए अगर कभी यू नो फ्यूचर में टाइम बढ़ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। पर अभी जितना हो सकेगा, जितना भी टाइम हमारे पास है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेनमेंट लोगों को देने की कोशिश करें। दो लाइन गाने के हे शुभारंभ हो शुभारंभ, मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई, ख्वाबों के बीज कच्ची जमीन पे हमको बोना है, आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है, अपना बोझ मिल के साथ ही हमको ढोना है, शहनाई शहनाई शहनाई। थैंक यू। मैक्स सेलिब्रेट इंडिया का नया कलेक्शन लॉन्च हो रहा है, और ये इंडिया से इंस्पायर्ड है, और उनको मेरी बहुत बहुत बधाई, एंड बहुत ही अच्छा कलेक्शन है, मैंने देखा हुआ है, एंड विशिंग देम ऑल द वेरी बेस्ट। आप क्या पसंद करते हैं? मैं क्या पहनना पसंद करता हूँ, ऑनेस्टली देखिए बॉम्बे में इतनी गर्मी होती है कि हाफ पैंट चप्पल और गंजी के अलावा और कुछ पहनना व्यर्थ होता है। शर्ट वर्ट शाम तक ठीक है, बट जनरली सुबह को अगर आप मेरी बात करें तो मैं नहाते ही कपड़े चेंज करता हूँ, और जब तक लिफ्ट में इंतज़ार करता हूँ मैं लिफ्ट का, तब तक मैं गीला हो जाता हूँ, तो मेरे लिए सबसे अच्छा टी शर्ट शॉर्ट्स और चप्पल है, वरना अगर कहीं बाहर जाना होता है तो एक सिंपल शर्ट और जीन्स और जूते। नवरात्रि आ रही है, क्या प्रोग्राम, क्या प्लान है आपका? नवरात्रि में क्या प्लान है, बहुत ज़्यादा कुछ प्लान नहीं है, क्योंकि नवरात्रि के शोज़ बहुत ही स्पेशलाइज शोज़ होते हैं, इसके लिए एक स्पेशल तैयारी करनी पड़ती है, और 9 दिन 10 दिन आपको परफॉर्म करना होता है। इस साल मैं व्यस्त था क्योंकि मेरे आगे भी बहुत कुछ शोज़ हैं और मेरे एल्बम पे मेरा काम चल रहा है, लेकिन कुछ एक आध ऐसे अपीयरेंसेज हैं, कुछ छोटी छोटी एंट्रीज हैं, बट फॉर ऑल द 9 डेज़ आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग मच, बट मेरे दोस्त हैं दिव्य कुमार, जिनका एक शुभ आरंभ इवेंट है बॉम्बे में इस साल, और दिव्य और मैं कॉलेज क्लासमेट्स हैं, और हमने एक साथ बहुत समय गुजारा है, बहुत अच्छे दोस्त हैं, और हम मुझे याद है कि हम कॉलेज में स्टूडेंट्स हुआ करते थे, तब इंटर स्कूल और इंटर कॉलेजिएट और टैलेंट हंट्स कॉम्पिटिशन्स में भाग लेते थे, ज़्यादातर जीतते थे, कभी कभी हारते भी थे, और आज दिव्य इतना अच्छा कर रहे हैं, वो हेडलाइन कर रहे हैं इस शो को, शुभारंभ को,
और साथ ही साथ वो बॉलीवुड में इतना अच्छा कर रहे हैं, इतना अच्छा गा रहे हैं बड़ी बड़ी फिल्मों में बड़े बड़े स्टार्स के लिए, तो मैं सबसे ज़्यादा उनको बधाई देने आया हूँ। आपने भी कहा कि बेस्ट है आप इस जी, क्या कुछ फिल्म कर रहे हो, क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, फिल्म नहीं कर रहे हैं अभी, फिल्म को थोड़ा टाइम है अभी। मैं मेरे बहुत सारे शोज़ हैं, अक्टूबर से शोज़ शुरू हो जाते हैं, तो मेरे कुछ 30-40 शो हैं अभी अगले 4-5 महीने में, और साथ ही साथ मेरा पहला एल्बम रिलीज़ हो रहा है दिसंबर में। मेरे कुछ सिंगल्स तो रिलीज़ हो गए हैं जो मैंने टी सीरीज़ के साथ रिलीज़ किए हैं, और एक्चुअली बात यह है कि फॉर 27 ईयर्स आई हैव बीन, मतलब उसमें से कुछ 22-23 साल तो मैं म्यूज़िक सीख ही रहा हूँ, और बहुत कुछ किया, लेकिन ऐसे काम किए जो लोगों ने मुझे काम दिया, उस काम को मैंने निभाया, उससे निभाने की कोशिश की। तो पहली बार जो है मैं अपने लिए कुछ कर रहा हूँ जो मुझे लगता है कि मेरी कैपेबिलिटी है एज एन आर्टिस्ट, एज ए म्यूजिशियन, एज ए सिंगर, एज ए कंपोज़र, जो भी है, तो बहुत एक्साइटेड हूँ। और हालांकि बॉलीवुड और इन सब बड़ी मीडियम्स के से कंपैरिजन में इंडिपेंडेंट म्यूज़िक आज बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि ये आगे बदलाव आए इसमें, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, वेरी एक्साइटेड टू ब्रिंग दिस टू माय फैंस। ये ट्रैक रोमांटिक ट्रैक है किस तरह का है जी? आठों गाने रोमांटिक हैं, एक्चुअली 10 गाने हैं, बट उसमें से कंप्लीट गाने 8 हैं, और सारे रोमांटिक गाने हैं, और इनफैक्ट द थीम ऑफ द एल्बम इज़ ओनली लव, और एक कॉन्सेप्ट एल्बम की तरह कह सकते हैं आप इसको। इट्स अबाउट अलग अलग जो स्टेजेस होते हैं प्यार के, उनके बारे में। पापा भी हेल्प कर रहे हैं? पापा क्या हेल्प करेंगे, पापा ने पैदा किया, मुझे खिलाया पिलाया बड़ा किया, ये बहुत बड़ी हेल्प है उनके उनके डीएनए की वजह से। मेरी आवाज़ जितनी भी थोड़ी बहुत अच्छी है वो है, और उनका आशीर्वाद और प्यार मेरे साथ हमेशा है। कभी भी मुझे किसी कहीं गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, कहीं मैं होता है, हर 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 इंसान से होता है, तो कभी भी मुझे म्यूज़िकली कोई गाइडेंस चाहिए, हालांकि मुझे वो हमेशा यही कहते हैं कि आपकी जो म्यूज़िकल इंस्टिंक्ट है बहुत अच्छी है, जो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन कहीं भी ऑब्वियसली मुझे कोई प्रॉब्लम आए, तो अगर मैं पापा के पास नहीं जाऊँगा तो किसके पास जाऊँगा, इस फैमिली। एंड ऑब्वियसली वो इतने बड़े सिंगर हैं, इतने बड़े लेजेंड हैं, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि एक ही घर में मुझे उनका करियर देखने का मौका मिला है। एक सुपरस्टार, एक लेजेंड बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना फोकस करना पड़ता है, ये सब मुझे देखने को मिला है, तो दैट वे यस आई एम वेरी फॉर्चुनेट। नए एल्बम का ज़रूर लॉन्च हो जाएगा। तेरे इश्क दरिया बह जाऊं, तू जहां रहे वहीं रह जाऊं, ये खुदा करे तुझे जी पाऊं, तेरा इश्क जी पाऊं, तेरा इश्क जी पाऊं। सॉरी मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, बट व्हाटएवर, मैंने कोशिश की थोड़ी बहुत। थैंक यू, वेलकम। चाहूंगा इस मंच की ओर, क्योंकि हमारे इंडिया पार्टनर एंड मैक्स सेलिब्रेट्स इंडिया, ये जो प्यारा सा लोगो है आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, इसे हम ऑफिशियली इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। इसे इनॉग्रेट करने के लिए हमारे स्टार सिंगर वन एंड ओनली दिव्य कुमार से मैं विनती करूंगा मंच पर आए, आपकी जोरदार तालियों के साथ प्लीज गिव हिम अ राउंड ऑफ अप्लॉज। साथ में पार्थ ठक्कर, गुज्जू भाई द ग्रेट इस फिल्म के संगीतकार, नीरेन भट्ट गुज्जू भाई द ग्रेट और पॉपुलर फिल्म इसके लिरिसिस्ट, ईशान रांदेरिया द डायरेक्टर ऑफ गुज्जू भाई, ईशान प्लीज कम ऑन स्टेज, आलेख संगल फ्रॉम गुज्जू भाई द ग्रेट अ ग्रेट एक्टर, and Dipna Patel, please come on stage, thank you so much, and small ke vice president Mr. Brijesh se main binti karunga aaye, Mr. Brijesh aap hi hain, and last but not the least, wo kehte hain na ki aankhe to dikhate ho jalwe bhi dikhao janab, wo alag baandh ke rakha hai jo maal acha hai, aap sab ki zordar taaliyon ke sath हमारे इस ग्रुप के दिव्य के खास दोस्त और सेलिब्रिटी सिंगर आदित्य नारायण से विनती करूंगा प्लीज मंच पर पधारे, प्लीज गिव देम अ राउंड ऑफ अप्लॉज, आपकी जोरदार तालियां, आप सभी का स्वागत है इस मंच पे।
और मैं आप सभी, मैं चाहूँगा मेरे सारे दोस्त जो योर फैमिली प्लीज सामने आ जाइए, प्लीज कम इन फ्रंट ऑफ अस, सामने आ जाइए, मुझे प्यार सा क्राउड मिलेगा मेरे दोस्तों को कवर करने के लिए, मेरे वीडियोग्राफर भाइयों को कवरेज के लिए अच्छे से चेहरे मिलेंगे। तो मैं आप सभी से विनती करूँगा कि मैक्स सेलिब्रेट्स इंडिया ये जो लोगो है, इस लोगो को आप सब मिल के इनोग्रेट करें। थैंक यू। बट ईशान गांधी रहे थे, थैंक यू मैक्स सेलिब्रेट्स इंडिया का लोगो आपके सामने इनोग्रेट किया बड़ी बड़ी प्यारी सी हस्तियों ने, आदित्य नारायण, थैंक यू, दिव्य कुमार, दीपना, ईशान, मच, थैंक यू ऑल। शुभारंभ नव गरबा, ये 9 दिन नवरात्र के 13 तारीख, आइए अपने दोस्तों को ले आइए, व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाइए, फेसबुक पे लोगों को इनवाइट कीजिए एंड प्लीज ज्वाइन अस। आप आएंगे तो निराश नहीं होंगे, विल डेफिनेट मस्त है। यहाँ मुझे जो देख रहे हैं सुन रहे हैं, गुजराती कितना छो आवजो ने गरबा रंबा अंकल श्योर ताकि नंबर लाइने आवजो। ओके थैंक यू सो मच। आप सभी से हैं जो धमाका वहाँ होने वाला है उसका प्रोमो कुछ ही देर में यहाँ से शुरू होने वाला है। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। Go see it again. If you haven't see it for the first time, trust me, you will see it again. Please watch Gujubai the Great in its 4th week in Bombay. Deepna Patel, Kumar Rao. Hi, તમે ગુજરાતી રહીને અગર ગુજુભાઈ ધ ગ્રેટ આ વર્ષ નથી જોતા તો 2015 ની બહુ મોટી ફિલ્મ મિસ કરશો, તો જરૂર જોજો અને 4th week અમારું ચાલુ થાય છે હવે, અને જેટલા પણ અમારા ફેન્સે જોયું છે એ લોકોને ખૂબ જ ગમ્યું છે, સોંગ્સ પણ ખૂબ જ ગમ્યા છે અને ફિલ્મ પણ સરસ મજાની મળી બની છે, સો પ્લીઝ બધા જોજો એન્ડ એન્જોય નવરાત્રી ઓલસો। ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કોંગ્રેચ્યુલેશન મેક્સ ફોર ધીસ બ્યુટિફુલ લોગો એન્ડ શુભારંભ, જે શુભારંભ થઈ રહ્યો છે નવરાત્રિનો અને એ પણ દિવ્ય કુમારના અવાજમાં, દિવ્ય કુમારે જે પણ ગીતો ગાયા છે એ હિટ જ થયા છે, એટલે આ દાંડિયા જે થવાના છે એ હિટ થવાના માટે જ થવાના છે, તો ગુડ લક એન્ડ યુ શુડ એન્જોય નવરાત્રી, યુ શુડ એન્જોય ગુજુભાઈ ધ ગ્રેટ એન્ડ મ્યુઝિક પ્લસ ધ ટાઇટલ સોંગ ઓફ ધ ફિલ્મ ગુજુભાઈ ઝૂલે છે એ પણ દિવ્ય કુમારે ગાયું છે, સો જરૂરથી સાંભળજો અને ફિલ્મ પણ જોજો અને નવરાત્રી ખૂબ એન્જોય કરજો। થેન્ક યુ। ગુજુભાઈ ધ ગ્રેટ કે શબ્દકાર કવિ પોએટ નિરેન ભટ્ટ, ગુજુભાઈ કે ગુજુભાઈ ગુજુભાઈ કો હિન્દી ભાષા ગુજરાતી રંગભૂમિથી શરૂઆત કરી એન્ડ આઈ વિશ કે ગુજરાતી ફિલ્મો કરતા રહેશો। થેન્ક યુ। हाँ, कितना बड़ा और प्यारा इत्तेफाक है कि फियांसी अपने फियांसे को बुके दे रही है, फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज बाती, हाय हाय, एंड आदित्य नारायण अमोल जी आइए प्लीज। थैंक यू। चीज मिस है अमोल, अमोल आदित्य यहां पे। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया मैक्स की ओर से, दिव्य कुमार की पूरी टीम की ओर से, थैंक यू सो मच। आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है, इनविटेशन है, आग्रह है, दुराग्रह है कि नवे नौ दिवस में जारे पर अनुकूल है प्लीज डू कम विद योर टीम। सिद्धार्थ भाई अवश्य तो पर हमें बहुत भैया सर आदि सर आप सभी रुकिए, नवरात्रि तो 13 तारीख से शुरू होने जा रही है मगर आज उसकी झलकी हम आपको यहाँ पे करवाएंगे, जिसे वार्म अप राउंड कह सकते हैं, म्यूजिकल वार्म अप राउंड।
तो आप सब जो भी यहाँ मौजूद हैं हमें सुन रहे हैं, नाचना है बेताली त्रण ताली हिच जे आवर्तु है गरबा इज वेरी फ्लैट। और मुझे पता है कि दिल कुमार जब